हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय मेन कैंपस में छात्र और छात्राओं ने एजुकेशन की मांग उठाई। कन्या गुरुकुल परिसर में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लड़कों और लड़कियों को एक साथ मेन कैंपस में पढ़ने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची छात्राओं का कहना है कि यूजीसी ने डीम्ड यूनिवर्सिटी के रेगुलेशन में 2023 में बदलाव किया है, जिसके तहत हाल ही में पहली बार गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी की कुलपति महिला बन पाई हैं। इसी रेगुलेशन के तहत छात्राओं को भी मेन कैंपस में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ देना चाहिए। यूजीसी का विश्वविद्यालय ने हमारे रेगुलेशन को एक्सेप्ट किया है, तब से हमारी एचओडी, डीन और जितनी भी फैकल्टीज है और हमारी वीसी मैम है वो नवनियुक्त हुई है वहाँ पर एक महिला के रूप में। तो सर हम भी ऐसी मांग चाहते हैं कि हमको क्यों उन सारी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है जो मुख्य परिसर में दी जा रही है। हमको लैंगिक भेदभाव का सामना क्यों करना पड़ रहा है? और सर जो केंद्र सरकार से फंडिंग आती है और जो 25 करोड़ रुपए यूजीसी की पूरा प्रॉपर गाइडलाइन में दिया गया है कि वो फर्दर डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है यूनिवर्सिटीज के लिए, तो सर डेवलपमेंट दिख क्यों नहीं रहा है? वहाँ पर बिल्डिंग नहीं है सर, जितना एक कैंपस है इधर मेन गुरुकुल में उतने में वो पूरा उधर कन्या गुरुकुल परिसर खत्म हो जाता है। ये विभाग संयोजक के नाते और मैं अपने संगठन के नाते मैं तो जो है छात्र छात्राओं को सबको सामूहिक पढ़ने के लिए ही, हमारा संगठन भी है कि जितना छात्र को सुविधा मिले उतनी छात्राओं को मिले। हमारे यहाँ कोई लिंग भेदभाव नहीं होता है, सब जो है साथ में पढ़े, साथ में सबको सुविधाएं मिले। और बहनों ने आवाज उठाई है, विद्यार्थी परिषद संपूर्ण रूप से इनके साथ है और बात केवल विश्वविद्यालय तक ही नहीं है, अगर पात्र केंद्र तक भी जानी होगी तो संगठन के लिए हमारे को ये बड़ी बात नहीं है।